Hi dear students, let us start mathematics from class 8 English medium. चलिए हम चर्चा करते हैं एक्सरसाइज 1.2 की, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 इसके पहले वीडियो में क्लियर हो चुका है, तो इस वाले वीडियो में मैं आप सबको सबट्रैक्शन एंड हिज प्रॉपर्टीज से परिचित कराऊंगा। तो आप सब इस वीडियो के साथ बने रहिए और साथ में कॉपी एंड पेन लेकर बैठिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सब्ट्रैक्ट दी फॉलोइंग, जिसमें कई पार्ट करके दिए हैं, जिसमें हमारा पहला पार्ट है ए, ठीक है। इसमें दिया है -2/3 फ्रॉम -4/5। इसमें कहा है दूसरे वाले पार्ट में से पहले वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। दूसरे वाले पार्ट में से इस पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया -4/5, फिर माइनस का साइन लगाया, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया -2/3। अब आप लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा कि हमने यहाँ पर डबल ब्रैकेट क्यों लगा दिया, एक ब्रैकेट यहाँ और एक ब्रैकेट यहाँ। आप लोग कन्फ्यूज होंगे, कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान से देखिए, मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था कि दो चिन्ह एक साथ कभी नहीं रह सकते हैं। जब आप लोग इसे अपनी कॉपी में लगाइए, इस बात का ध्यान रखिए कि दो चिन्ह एक साथ हम कभी नहीं रह सकते हैं, कभी नहीं रख सकते हैं। इसलिए तो यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब ब्रैकेट हटाएंगे, किस तरीके से हटाएंगे, लेकिन हटाने से पहले एक बात का ध्यान और रखेंगे कि माइनस और ए माइनस, जब दो माइनस का ब्रैकेट हटाने पर गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ए माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस साइन देगा यहाँ पर, ठीक है। ये प्लस साइन हो गया। उसके बाद देखिए आगे वाला पोर्शन जो है ये पूरा माइनस है, ये वाला पूरा प्लस हो गया, ठीक है। एक हो गया माइनस और एक हो गया प्लस। अब देखिए माइनस हो, सब्ट्रैक्शन हो या फिर एडिशन हो, दोनों में सबसे पहले त्रिक गुणा होता है, ठीक है। इसका गुणा इसके साथ होगा, फिर जो चिन्ह दिया है बीच में उसको लगाएंगे, फिर उसका गुणा इसके साथ करेंगे। दोनों का गुणा करने के बाद ऊपर लिख देंगे, जैसे 4 3 12 हो गया, यहाँ माइनस है तो -12 हो गया, यहाँ प्लस है तो 5 2 10 हो गया, और अपान 5 3 15। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको भी सॉल्व करने का एक मेथड है। कैसे है, सबसे पहले हमने बताया था अगर एक प्लस हो और एक माइनस हो तो सबसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। घटाने के बाद जो वैल्यू प्राप्त होने पर बड़ी वाली संख्या के सामने जो चिन्ह दिया है उसी चिन्ह को लगा देना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। मैंने क्या कहा कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे, घटाने के बाद बड़ी संख्या के सामने वाला चिन्ह लगा देंगे। देखिए यहाँ पर है 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो बचेगा 2 और उसके आगे माइनस 2/15, ये हो गया हमारा -2/15, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला पार्ट, ठीक है। इसी तरीके से पार्ट बी भी है, देख लीजिए, ठीक इसी तरीके से लगा है। पार्ट सी है, पार्ट डी है, पार्ट ई है, ठीक है। लगता है कि कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसमें। और हमारा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई का सीधा अर्थ यहाँ मीन्स होता है कि सरल करना है हमें, चाहे पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले हमने एक लाइन शॉर्ट कर दिया है। देखिए कैसे करेंगे, इसको हम उतारेंगे नीचे, ठीक। उतारने के बाद पहले 5 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 5 4 जा डायरेक्ट लिख दिए हम, फिर माइनस है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे, फिर 7 6 जा कर दिया, फिर जो नीचे का दिया है 7 5 जा 35, ठीक है। इसको मैंने कर दिया। इतना करने के बाद अब देखिए
फोर फाइव जा होता है 20 और 6 7 जा होता है 42, बीच में माइनस साइन है तो माइनस लगा दिया, अपान 75 जा 35। ठीक है, अब इसमें हम यही बताए थे अगर एक प्लस है और दूसरा माइनस है तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा देंगे, क्या बचेगा 42। 42 में से हम 20 को जब माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 22 अपान 35, लेकिन आगे कौन सा चिन्ह रहेगा, माइनस, ये है हमारा आंसर। ठीक है, मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे पार्ट में, देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना है, 39 जो होता है 117 और माइनस है तो माइनस लगा दिया। ठीक, उसके बाद 114 जो होता है 44, यहाँ माइनस तो माइनस लगा दिया, अपान 11 टाइम 13, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तो ये हो गया 143। देखिए इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, दोनों तरफ माइनस है, तो माइनस माइनस को ऐड करेंगे तो हमारा माइनस ही रहेगा, लेकिन 117 और 44 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 161 अपान 143, ये है हमारा सॉल्यूशन। इसी तरीके से आप लगाइएगा सी, देख लीजिए इन डी वाला पोर्शन, इसी तरह देखिए इसमें एक मैटर हम बता दे रहे हैं, इसमें हम आपको बता दें कि ये इतना पोर्शन जो दिया है, देखिए माइनस 16 अपान माइनस 9 फिर उसके आगे भी माइनस, सबसे पहले हम इस माइनस को इससे काट देंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस तो कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पर क्या, यहाँ पर बचा 16 अपान, ठीक है तो इसी 16 अपान 9 को मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखिए आगे माइनस, बाकी उसी तरीके से सॉल्व कर लिया सब। अब ई पार्ट भी लगाइएगा, देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, वेरीफाई द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स, दैट इज वेरीफाई इफ ए माइनस बी इज ए रेशनल नंबर फॉर द फॉलोइंग, कह रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी को, मतलब सब्ट्रैक्शन का क्लोजर प्रॉपर्टी हमें दिखाना है रेशनल नंबर में, अब वेरीफाई भी करना है, यदि a माइनस बी इज ए रेशनल नंबर, यदि a माइनस बी इज ए रेशनल नंबर फॉर द फॉलोइंग, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी क्या होता है आप लोग एक बार देख लीजिए, प्रॉपर्टी होता है फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स, फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स a अपान बी एंड c अपान डी, ए ए हो गया फर्स्ट, ए हो गया सेकेंड, ठीक है तो इसको जब हम a माइनस बी करेंगे इसका जो रिजल्टेंट आता है, जो इसका रिजल्ट आएगा वह भी आल्सो इज ए रेशनल नंबर, वह भी एक परिमेय संख्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, देखिए इसमें हम पहला पार्ट लेके चलते हैं, ठीक है पहला पार्ट है a इक्वल टू माइनस टू अपान 7, b इक्वल टू माइनस 4 अपान 9। ठीक है, a माइनस बी इज ए रेशनल नंबर, अब a का मान इसमें रख, a की वैल्यू इसमें रखिए, b की वैल्यू इसमें रखिए, और ए हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन, ए इस तरह का सब्ट्रैक्शन हमने पहले बता दिया है किस तरीके से सॉल्व होता है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, बी वाला पार्ट भी इसी तरीके से लगेगा, सी वाला पार्ट भी इसी तरीके से है, डी वाला पार्ट भी इसी तरीके से है, मैंने सबका सॉल्यूशन दे रखा है, आपको कहीं दिक्कत हो तो आप उसे मैच करा लीजिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने अपना नोट्स हमारे पास भेजा था जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य था। और बहुत से बच्चों ने सही भी लिखा था, तो मैं सोचा कि चलिए इसका सोल्यूशन भी दे देते हैं, जितने बच्चों ने नहीं लिखा अपना मैच करा लेंगे, लेकिन इसके बाद जो वीडियो मैं भेजूंगा उस वीडियो में एक क्वेश्चन ही बताऊंगा, उसके बाद जितने बचेंगे पार्ट उसको आप लोग होमवर्क के रूप में करिएगा। ठीक है, पहले इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व द फॉलोइंग, पहला पार्ट दिया है इफ़ द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज माइनस 8 अपॉन 27 एंड वन ऑफ देम इज माइनस 5 फाइंड द अदर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
हमने ये पहले वीडियो में बता दिया था कि यदि हम किसी दो संख्या को जोड़ते हैं, किसी दो संख्या को जोड़ते हैं तो उसका हमें योग प्राप्त होता है, ठीक है। अगर उसमें हमें कोई संख्या दिया गया है, अगर इसमें हमें ये पहली संख्या मान लीजिए और ये दूसरी संख्या, अब इसका हो गया योग, ठीक है। अगर इसमें से पहली संख्या दिया है, पहली नहीं कोई भी संख्या दिया है, तो उसे हम कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है, चाहे उसे पहली मान लें चाहे दूसरी मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमें निकालना होता है उसको चाहे कुछ मान लो, एक्स मानो, वाई मानो, जेड मानो, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। और जो सम दिया है उसको यहाँ पर रख लीजिए। अब देखिए, एक्स की वैल्यू हमें डिफाइन करनी है, कैसे निकलेगा, इस एक्स को इधर ही रहने दीजिए और माइनस फाइव अपान वन को इधर कर दीजिए, ठीक है। देखिए मैंने यही किया है, एक्स इक्वल टू माइनस एट अपान सेवन, 27, माइनस उधर गया प्लस हो गया फाइव अपान वन, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए जैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है, एक्स इक्वल टू 127 अपान 27। व्हाट नंबर शुड बी एडेड, देखिए इस तरीके का क्वेश्चन, जैसे मैं हमने अभी पहले बताया, सेम टाइप। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस 13 अपान 17 टू गेट 6 अपान 7, देख लीजिए उसी टाइप का, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले बता दिया था, देख लीजिए इसका सॉल्यूशन, आप मैच कराइए। इस क्वेश्चन को कई स्टूडेंट ने हमारे पास मैसेज करके पूछा था कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसको हमने बताया था कि एक एक पार्ट करके सॉल्व कीजिए, जैसे इस दोनों को सरल कीजिए जो इसका वैल्यू आता है, फिर इसके साथ ऐड कीजिए, ठीक है, मैंने यही बताया था। लेकिन इस तरीके से सॉल्यूशन मैंने देखा कि बहुत लंबा हो जा रहा था, ठीक है, तो इस तरीके को आप मत लगाइए। अगर आप लगा लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप एलसीएम विधि से लगाना जानते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि वो छोटे में आ जाता है। सबसे पहले हम 714 एंड 21 का एलसीएम निकाल लेंगे, हो गया हमारा 21, और इस पार्ट का भी एलसीएम निकाल लेंगे, हो गया 196। इसे आप रफ कॉपी में निकाल लीजिएगा। अब देखिए इसको हम कैसे ऐड किए हैं, ये आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि कैसे ऐड किए हैं, लेकिन हम बता देते हैं कि यहाँ 42 है ना, 42 को नीचे रख देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इस 7 से डिवाइड करेंगे 42 में, कितनी टाइम जाता है, 6 टाइम, 7 6 जा 42, 6 टाइम गया ना। अब उस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 से, ठीक है, इस 7 का डिवाइड करेंगे 42 से, 6 टाइम आया। अब 6 जो आया हमारा, उस 6 का मल्टीप्लाई जो किया जाएगा वो यहाँ जो दिया 9 से किया गया, 9 6 जा 54, ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद ये 14 है, 14 का हम 14 से डिवाइड करेंगे 42 को, तो 14 3 जा होता है 42, ठीक है, तो 3 टाइम गया, तो ये 3 हो गया, और यहाँ पर 1 है तो 1 3 1 जा 3, देखिए यहाँ पर 3 हो गया। अब यहाँ पर 42 है, यहाँ पर 21, अब 21 से डिवाइड करेंगे हम 42 को, तो 2 टाइम जाएगा, ठीक है, 2 टाइम गया, और यहाँ पहले से 5 है तो 5 2 जा हो गया 10, ठीक है, 5 2 जा हो गया 10। अब देखिए, अब तीनों को ऐड कर लीजिए, तीनों को ऐड करके अपन 42 कर लीजिए। अब उसी तरीके से इधर भी कीजिए, इधर करने के बाद जो आता है उसको आप सब्ट्रैक्ट करिए, या फिर डायरेक्ट फिर एलसीएम लेके घटा दीजिए, जो आता है हमारा 305 अपान 588, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसमें दिया है इवैल्यूएट द फॉलोइंग, उसी एलसीएम का प्रयोग करके मैंने यहाँ भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, क्योंकि ये छोटे में आ जाता है और समझने में भी आसानी होती है, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा और एलसीएम से ही लगाने का प्रयास कीजिए। अगर एलसीएम में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको एलसीएम पर भी एक वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है, आपको एलसीएम समझा दूंगा। ये डी वाला पार्ट है, डी वाला पार्ट भी इसी तरीके से लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ड प्रॉब्लम, टू स्टिच 3 शर्ट्स, 10 मीटर ऑफ क्लॉथ वॉज नीडेड, आउट ऑफ विच
फोर एंड वन अपार फोर मीटर वाज यूटिलाइज फॉर द फर्स्ट सर्ट एंड थ्री एंड टू अपॉन फाइव, या फिर ऐसे भी इसको हम जो जो लिखा है थ्री, जिसको हम हिंदी में पढ़ते हैं तीन से ही दो बटे पाँच मीटर, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे थ्री एंड टू फिफ्थ, क्या पढ़ेंगे, ये जो दिया है तीन से ही दो बटे पाँच, इसे हम हिंदी में पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, यही है ना, तो इसके कहेंगे थ्री, क्या बोलेंगे थ्री, ठीक है, एंड थ्री एंड, इसे कहेंगे जो बटे में दिया था टू फिफ्थ, ठीक है, एफ आई एफ टी एच लिख लीजिएगा, एफ आई एफ टी एच, ठीक है, टू फिफ्थ, थ्री एंड टू फिफ्थ, इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए होंगे, तो मैंने सोचा बता दूं। और उसके आगे है वाज, वाज यूटिलाइज, हाउ मच क्लॉथ वाज यूटिलाइज फॉर द थर्ड शर्ट, कह रहा है, इसे आप हिंदी समझिए एक बार, कह रहा है हमारे पास 10 मीटर का एक कपड़ा है, ठीक है, उसमें हमें तीन शर्ट बनाने हैं। पहले शर्ट का जो जिसमें फोर एंड वन फोर्थ मीटर कपड़ा लगा, क्लॉथ लगा, और जो हमें दूसरा शर्ट है थ्री एंड टू फिफ्थ मीटर क्लॉथ यूज हुआ, यूटिलाइज हुआ, ठीक है। दो शर्ट बनाने में इतने कपड़े का, इतने क्लॉथ का यूज किया गया। अब तीसरे कपड़े के लिए कितना शर्ट रिमेनिंग है, शेष है, उसे हम कैसे निकालेंगे, देखते हैं नीचे। सबसे पहले टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ है 10 मीटर दिया है, फर्स्ट शर्ट यूटिलाइज्ड क्लॉथ ये दिया है हमारा 17/4 मीटर, सेकंड के लिए 17/5 मीटर, हाउ मच क्लॉथ वाज यूटिलाइज फॉर द थर्ड शर्ट, तीसरे शर्ट के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, उसको हम 10 मीटर में से दोनों शर्ट को ऐड करके, दोनों शर्ट के कपड़ों को ऐड करके 10 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। कैलकुलेशन देख लीजिए, सेम टाइप है कैलकुलेशन का, इसका पहले तिर्यक गुणा होगा, फिर ऐड होगा, फिर जो आएगा फिर 10 में से माइनस किया जाएगा, ये हो गया हमारा 2 and 7/20, ठीक है, ये हो गया मेरा आंसर। इसका जो बी पार्ट दिया है, बी पार्ट दिया गया है द थ्रेशोल्ड फॉर कंजप्शन ऑफ पावर इन ए मंथ फॉर ए डोमेस्टिक यूज इज 6.5 वाट, इफ द पावर कंज्यूम्ड इन ए मंथ वाज 7.16 वाट, फाइंड आउट इफ एक्सेस ऑफ लेस पावर वाज यूटिलाइज्ड एज कंपेयर्ड टू द थ्रेशोल्ड वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम पहले देखते हैं, एक ही महीने में जितनी बिजली यूज होती है घरेलू उपयोग के लिए, जितनी बिजली यूज होती है उसको दो पार्ट में दिया है, कह रहा है एक महीने का इतना है और दूसरे महीने का इतना है, तो हमें ये देखना है कि दोनों का डिफरेंस क्या है, ठीक है, पहले महीने की तुलना में दूसरे महीने में कितना अधिक यूज हुआ या कम यूज हुआ, ये हमें बताना है। तो पावर इन मंथ फॉर डोमेस्टिक यूज दिया है इतना, ठीक है, इतना वाट दिया है। उसके बाद इफ द पावर कंज्यूम्ड इन ए मंथ 6.7 and 1/16 वाट, इतना वाट, ठीक है, कंपेयर और डिफरेंस, इसको हम कंपेयर करें या फिर डिफरेंस निकालें, दोनों का मीन्स एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो पहला दिया था दूसरे को हमने सबट्रैक्ट कर दिया, उसका डिफरेंस निकाल दिया, डिफरेंस निकालने पर 2/3 वाट आ गया, ठीक है, इतने का डिफरेंस है, इतना ही डिफरेंस है दोनों महीने का जो यूज हो रहा है बिजली, ठीक है। देखिए इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.2 जितने भी क्वेश्चन थे सभी को सॉल्व करा दिया है,
सबका सोल्यूशन भी दे दिया, लेकिन अगले वीडियो में मैं ऐसा कभी नहीं, कदापि नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के एक पार्ट ही बताऊँगा, उसके बाद जितने क्वेश्चन हैं आप लोग उसे होमवर्क के रूप में ही लगाइए, जहाँ कहीं भी दिक्कत हो उसे आप हमारे पास उस क्वेश्चन को भेजकर पूछ सकते हैं सोल्यूशन, ठीक है। और एक बात बता है कि मैथ का जो नोट आप लोग डेली भेजते रहते हैं, आप लोग ऐसा मत कीजिए, आप लोग केवल संडे को ही भेजिए, ठीक है। मैथ का जितने भी स्टूडेंट नोट बनाए हैं सब लोग, मुझे लगता है कि एक हफ्ते में केवल दो ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो पाएगी, ठीक है। जितने मैं प्रयास करूंगा कि मैक्सिमम मैं एक्सरसाइज प्रयास करूंगा कि बना लूं वीडियो, तो आप सब संडे को ही भेजिएगा। चलिए ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। जितना मैं मैटर लिखा हूँ इतने मैटर को आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर तो हमने बता दिया, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है ये तो आप लोगों को पता ही होगा। मल्टीप्लिकेशन का होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यानी गुणा। गुणा का अर्थ क्या होता है, किसी भी नंबर को हम कितनी बार ऐड कर सकते हैं, किसी भी नंबर को हम कितनी बार ऐड कर सकते हैं। जैसे 2 × 3 है, 2 × 3 मीन्स क्या होता है, यही आप लोग जानते हैं, 2 × 3 = 6 हो गया, ठीक, आप लोग जानते हैं, सही है। लेकिन एक और है, क्या है, हमने 2 को ऐड किया है कितनी बार, 3 बार, ठीक है, 2 को ऐड किया कितनी बार, 1, 2, 3, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6, यही है। यदि हम किसी संख्या को ऐड करते हैं, जितनी बार ऐड करते हैं उसी को उतनी बार लिखना ही उसका मल्टीप्लिकेशन, मुझे लगता समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं इसके मैटर पे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स P/Q and R/S वी हैव, जब हम दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन, रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं, जैसे कोई दो रेशनल नंबर दे दिया है तो इसमें हम मल्टीप्लाई में सबसे पहले ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर्स, ठीक, अंशों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर, हरों का, ऊपर वाले भाग को अंश कहते हैं नीचे वाले भाग को हर कहते हैं, इसे न्यूमरेटर कहते हैं, इसे डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन, रेशनल नंबर में मल्टीप्लिकेशन की कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं और उन सबका प्रयोग कहाँ होता है ये सब आप देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टी वन की, जिसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स A/B and C/D, आपको इतना ज्ञात होना चाहिए कि A/B and C/D एक रेशनल नंबर है, इसकी जगह पर हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, A/B ना रखकर हम P/Q भी रख सकते हैं, X/Y भी रख सकते हैं, ठीक है, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। A/B and C/D, ठीक, A/B × C/D इज आल्सो ए रेशनल नंबर। कहने का मतलब ये है, जब हम दो परिमेय संख्याओं का गुणन करते हैं तो उससे जो वैल्यू प्राप्त होती है वह भी एक रेशनल नंबर ही होती है, ठीक है। देखिए इसका एग्जांपल, जैसे हमने दो रेशनल नंबर लिया, -6 -7/6 -5/4,
देखिए माइनस सेवन को मैंने एक ब्रेकेट में कर लिया और माइनस फाइव को मैंने एक ब्रेकेट में, और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, अपान सिक्स, अपान सिक्स इंटू फोर कर दिया। ऊपर वाले का गुणा ऊपर हो गया, न्यूमरेटर का ऊपर हो गया, उसके नीचे डिनोमिनेटर का नीचे हो गया, न्यूमरेटर का ऊपर डिनोमिनेटर का नीचे। अब इसको हम सॉल्व किए तो माइनस माइनस का गुणा हो गया प्लस, ठीक, सेवन फाइव जो 35, सिक्स फोर जो 24, ठीक है। प्रॉपर्टी टू है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है आपको पता होना चाहिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने अभी दो क्रियाओं का यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रीड किया है, स्टडी किया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या होता है, व्हेन टू रेशनल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड द फाइनल रिजल्ट इज द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर इन विच दे आर मल्टीप्लाइड एंड हेंस द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज कम्यूटेटिव, दैट इज फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स ए अपान बी एंड सी अपान डी। कहने का मतलब जब हम दो रेशनल नंबर को टू रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू प्राप्त होती है उसको हम रखते हैं साइड में, ठीक है। अब उस दोनों रेशनल नंबर का ऑर्डर चेंज कर देते हैं, जैसे ए अपान बी है और सी अपान डी है, उसको हमने चेंज कर दिया सी अपान डी एंड ए अपान बी में। अब इसकी वैल्यू जो आएगी दोनों की वैल्यू सेम होगी, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम होगी। जैसे यहाँ पर हो गया चार बटे तीन गुड़े तीन बटे चार, इससे कन्फ्यूज मत होइए, ये है हमारा पी अपान क्यू, ये है आर अपान यस, ये है आर अपान यस, ये पहला रेशनल नंबर, ये है दूसरा रेशनल नंबर, दोनों का मल्टीप्लाई किए तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसके क्रम को हमने बदल दिया, लास्ट वाले को पहले कर दिया, पहले वाले को लास्ट कर दिया, इससे मेरे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी थ्री की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है इसको भी मैंने पढ़ा दिया पहले ही। इसमें जब हम तीन रेशनल नंबर लेते हैं ए अपान बी सी अपान डी एंड ई अपान एफ, तीनों को हम जब सबसे पहले दो को मल्टीप्लाई करते हैं फिर लास्ट वाले पोर्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती है उसका कंपेयर हम वाले पार्ट यानी कि डी और ई अपान एफ को मल्टीप्लाई करने पर ए अपान बी से मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आता उससे करेंगे। कहने का मतलब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है इसको सॉल्व करेंगे, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, यही है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी फोर है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आपने पढ़ा है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी में सबसे पहले P अपान क्यू प्लस जीरो इक्वल टू पी अपान क्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एडिटिव आइडेंटिटी में हम किसी भी रेशनल नंबर में जीरो को ऐड करते हैं तो वही रेशनल नंबर हमें प्राप्त होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और सब्ट्रैक्टिव में क्या होता है, सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी में क्या होता है, जीरो को घटाते हैं या जीरो में से हम पी अपान क्यू को घटाते हैं, यह भी एक रेशनल नंबर ही फाइंड होता है। लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें हम पी अपान क्यू में एक वन से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें वही वैल्यू प्राप्त हो जाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी फाइव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हाँ, आपने पढ़ा है दो चीज़ें पढ़ा, एडिटिव इनवर्स अगर यक्स दिया है तो माइनस यक्स, ठीक है, और सब्ट्रैक्टिव इनवर्स क्या होता है,
एडिटिव इनवर्स हो गया एक्स का माइनस एक्स, सब्ट्रैक्टिव इनवर्स यानी माइनस एक्स का हो गया एक्स। याद रखना ये है प्लस वाला एडिटिव इनवर्स कहलाता है, प्लस वाला एडिटिव इनवर्स, ठीक है। और जो माइनस पूछा रहता है वो हमारा होता है सब्ट्रैक्टिव इनवर्स, और सब्ट्रैक्टिव इनवर्स जो होता है उसका प्लस एक्स होता है। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, अगर कोई रेशनल नंबर पी अपान क्यू दिया है तो कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ क्यू अपान पी कर देना, उसी का उल्टा कर देना है, जस्ट अपोजिट, ठीक है। यदि पी अपान क्यू दिया है तो उसको हम जस्ट अपोजिट कर देते हैं, क्या करते हैं क्यू अपान पी में। मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। इसी को हम एक नाम से और जानते हैं, रेसिप्रोकल। क्या कहते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ही कहते हैं। अब प्रॉपर्टी 6 है मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो प्रॉपर्टी। आप लोगों को पता है कि किसी भी संख्या में एनी नंबर, कोई भी संख्या हो, नंबर हो, उसमें अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी संख्या हो अगर इसमें हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू जीरो ही प्राप्त होती है, ठीक है। तो इतना आप याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन बाई जीरो प्रॉपर्टी, ऐसे पूछेगा मल्टीप्लिकेशन बाई जीरो प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आपको सीधे लिखना है व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी रेशनल नंबर बाई जीरो। जब हम किसी रेशनल नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट द रिजल्ट एट जीरो, तो हमें परिणाम शून्य प्राप्त होता है, जैसे यहाँ पर है, ठीक है। प्रॉपर्टी से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है वितरण का, बांट देना। क्या होता है बांट देना, किसको बांट देना, देखिए सबसे पहले द मल्टीप्लिकेटिव ऑफ रेशनल नंबर्स ओवर हिम एडिशन इज ए डिस्ट्रीब्यूशन। एडिशन ही डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हमारे पास है ए अपान, तीन रेशनल नंबर है ए अपान बी सी अपान डी एंड ई अपान एफ। जैसे दिया है ए अपान बी, ए अपान बी जब हम एक परिमेय एक रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इस प्रकार के नंबर से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि ये वितरण करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्या करता है डिस्ट्रीब्यूट यानी वितरण करता है, बांट देता है। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले इसके साथ, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ प्लस चिन्ह ऐड हो जाएगा, अगर प्लस है तो प्लस ऐड हो जाएगा, माइनस है तो माइनस ऐड हो गया, ठीक है। इसका जब मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ए अपान बी इंटू सी अपान डी, अब यहाँ प्लस है तो प्लस यूज करेंगे, अब ए अपान बी का मल्टीप्लाई ई अपान एफ के साथ होगा, ई अपान एफ के साथ, अब इसका जो रिजल्ट आएगा इक्वल आएगा, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट जोड़ करके इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए या फिर इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके ऐड कीजिए, दोनों की वैल्यू एक ही आएगी, ठीक है। अब देखिए मैंने माइनस वाला भी बता दिया था इसमें, क्योंकि यहाँ पर माइनस वाला मैंने अलग से लिखा है, एंड आल्सो यानी ए भी होता है, माइनस वाला पोर्शन भी होता है। इस वीडियो में मैंने लास्ट में मल्टीप्लिकेशन का जितनी प्रॉपर्टी था बता दिया, अब अगली वीडियो में मैं लेके आऊँगा एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। तब तक आप घर पर बने रहिए और प्रैक्टिस कीजिए मैथ का, जितना बता दिया गया है आप उसे रफ कॉपी में
फिर से बैठ के लगाइए, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि ये प्रयास प्रैक्टिस मांगता है, सेल्फ प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही बेटर रहेगा।